हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे सेशन में। माय नेम इज अभिजीत मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर, और आज बात करेंगे अपने करंट अफेयर्स की। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और नहा धो के हमारा करंट अफेयर्स एंजॉय करने के लिए आगे होंगे। तो गाइस, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं कमेंट में यस कर दीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। ठीक है, तो हाँ, आप लोग देख पा रहे होंगे मुझे क्योंकि मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ गाइस कि हमने आपके लिए फ्री करियर गाइडेंस एंड पर्सनल काउंसलिंग रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको अपने करियर को लेकर कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको कुछ गाइडेंस लेनी है कैसे प्रिपरेशन करें, तो आपको इस नंबर पर कॉल करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यहाँ पर हमारे मेंटर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे। और कभी ऐसा होता है कि आपकी कॉल नहीं लग पाती है या पिक नहीं हो पाती है बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आपको किसी वीडियो के नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉल बैक फॉर्म मिल जाएगा, भर दीजिए, आपके पास निश्चित रूप से कॉल आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आपको इन्फॉर्मेशन में देना चाहूंगा, अगर आप कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए फॉर प्री टू मेंस लेवल, जिसमें आपका क्वांट भी हो जाए, रीजनिंग भी हो जाए, इंग्लिश भी हो जाए और जीए भी हो जाए, तो आपको हमारा ये कोर्स परचेस करना चाहिए जिसकी फीस है 2249। तो 2249 में आपको ये कोर्स मिलेगा। ये कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है, मतलब इसे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइफ टाइम वैलिड कोर्स है। इसमें आपको हम एक साल के लिए स्पीड टेस्ट भी दे रहे हैं, आपको पर्सनल टेलीग्राम चैनल्स भी मिलेंगे, तो सब कुछ आपको मिलेगा। ये 2249 में कोर्स हमारा है, ठीक है। इसमें आपको हम दो क्वांट, दो रीजनिंग और एक इंग्लिश और एक जीके कोर्स पूरा दे रहे हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि विच स्टेट विल होस्ट द फोर्थ एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021। 2021 में होने वाले यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के फोर्थ एडिशन को कौन होस्ट करेगा जो 2021 में होने वाला है। फोर्थ एडिशन की बात हो रही है। यहाँ महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, असम, हरियाणा, गुजरात, पांच ऑप्शन हमारे पास है। आंसर आप लोग दे दोगे, मुझे मालूम है। हरियाणा, हरियाणा में कहाँ? हरियाणा में पंचकुला, हरियाणा में पंचकुला, याद रखना है आपको। वी हैव फाइव ऑप्शन, आइए आपको दिखाते हैं एक बार, ठीक है। पहले महाराष्ट्र की बात करेंगे। तो गाइस, रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सिलेबस को 25% कम कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। और महाराष्ट्र का फेमस फेस्टिवल क्या है? तो कालिदास फेस्टिवल यहाँ का फेमस फेस्टिवल है, गुड़ी पड़वा भी यहाँ का फेस्टिवल है, लेकिन एक काला घोड़ा, काला घोड़ा लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, तो काला घोड़ा फेस्टिवल भी कहां, महाराष्ट्र मुंबई का होता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्चेस डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एप्लीकेशन सेल्फ स्कैन। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने खुद ये एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो ये एक आपका मतलब डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एप्लीकेशन होगा, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो दुर्गा पूजा तो यहाँ का भाई फेमस फेस्टिवल है ही है, उसके अलावा नंदीकर नेशनल थिएटर फेस्टिवल भी यहीं पर होता है। नंदीकर नेशनल थिएटर फेस्टिवल कई बार आपके SSC या रेलवे जैसे एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी गाइज आपको लर्न करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, असम की बात करें गाइस, तो असम में अभी आपको याद होगा पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की बात बोली गई है। और अगर असम की बात करें तो असम का फेमस डांस जो है वो बिहू फेस्टिवल है, मतलब बिहू आपको याद रखना है, बिहू डांस भी है, याद रखिएगा, ठीक है। हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा का फेमस फेस्टिवल तीज है, हरियाणा, ठीक है। कैपिटल की बात करें चंडीगढ़, सब बताइए आपको, चीफ मिनिस्टर मनोहर खट्टर जी हैं। आगे बढ़ते हैं और गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में MSME और टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 1369 करोड़ रुपीज में एट वन क्लिक एक स्कीम लॉन्च किया था। यह भी मैंने कई बार आपको रिविजन करा दिया। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ का फेमस फेस्टिवल क्या है, तो भाई फेस्टिवल की बात करें तो गरबा तो यहाँ का है ही है, वो हम जानते ही हैं। उसके अलावा जो रन है, रन वहां पे एक जगह है, रन क्षेत्र कहते हैं, रन उत्सव मनाया जाता है वहां पर। इसके अलावा काइट फेस्टिवल है वहां की, तो ये सब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि आपको बता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। विथ विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, और ये आपको बताना है, आंसर आपको देना है अगले 5 सालों के लिए। तो 2020 से लेकर 2025 तक के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये दोनों देश साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन पे काम करेंगे। आंसर आप लोग को पता है, मुझे मालूम है, ठीक है। आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा, वी हैव 5 ऑप्शन। और आंसर की बात करें, आंसर इज यूरोपियन यूनियन। तो गाइस आपको पता है कि अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन की 15वीं मीटिंग हुई, और ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसी में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर जो ऑप्शन में हमारे सामने न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनकी हम थोड़ी बात करते हैं। तो गाइस अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो इसका एक नाम और भी है, ब्रिक्स बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो इसने $1 बिलियन इंडिया को दिया है टू फाइट COVID-19। तो ब्रिक्स बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड $1 बिलियन आपको लर्न करना है। उसके अलावा गाइस अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो इसने अभी बांग्लादेश की बात हो रही है, बांग्लादेश को $500 मिलियन का एक हेल्प किया है, ठीक है। और अगर हम बात करें ADB का, तो उसका हेडक्वार्टर मनीला है, आप मनीला चलिए, मनीला फिलीपींस है,
मनीला, तो याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। और देख ले, अगर हम ईयू की बात करें गाइस, तो ईयू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो ईयू का हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है। यहीं पर नाटो का भी हेडक्वार्टर है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, और यहीं पर स्विफ्ट का भी हेडक्वार्टर है, ये भी याद कर लीजिएगा, ब्रसल्स की हम बात कर रहे हैं। वही गाइज, अगर हम AIIB की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। अक्सर बच्चे AIIB और न्यू डेवलपमेंट बैंक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन हटा देनी है अपने, ठीक। और अगर हम AIIB की बात करें तो इन्होंने $500 मिलियन का लोन दिया है इंडिया को फाइट कोविड-19, याद करना पड़ेगा। वही वर्ल्ड बैंक की बात करें गाइस, तो वर्ल्ड बैंक ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक नया चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कार्मेन रिनहट। याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक के नए इकोनॉमिस्ट बने हैं, नए चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, तो ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। बढ़िया, वेरी वेरी फैंटास्टिक गाइस, क्वेश्चन के आंसर देते रहे और एंजॉय करते रहे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर लोगों ने निक नेम भी रख दिया है, गुड मॉर्निंग सग्गू, मतलब चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो गाइस, HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक ने अभी रिसेंटली में इंडिया की ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया है, और कितनी है वो आपसे पूछा गया है। हालांकि ये न्यूज मैं आपको अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ, कहाँ पर, बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी में भी, लेकिन फिर भी आप अभी से जानो अच्छा है। HDFC बैंक के हिसाब से भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, माइनस में ही रहेगी फॉर द 2020-21, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -7.5%, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो HDFC बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट को -7.5% बोला है। इसके अलावा गाइस, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो -1.5%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया -6.8%, क्रिसिल -5%, फिच -5% एंड S&P -5%। ये दोनों फिच और S&P बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर। FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, ये लिवरपूल के कैप्टन है, आपको मैंने पढ़ाया ही था, इनका नाम है जॉर्डन हैंडरसन, जॉर्डन हैंडरसन इज राइट आंसर। फिर ये सुमन गवई कौन है, ये कार्ला मोंटेरियो कौन है, राजू जोशी कौन है, और पब्लो अलबरेंगा कौन है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आपको हम सुमन गवई के बारे में बताएं, तो सुमन गवई इंडिया से बिलोंग करती हैं, और इनको यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, इस बार 2020 में ही मिला है, बट 19 का ये अवार्ड था, तो ये याद रखिए। इनके साथ कार्ला मोंटेरियो की बात करें तो ये ब्राजील से बिलोंग करती हैं, और इनको भी सेम ये अवार्ड मिला था, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। इसके अलावा गाइस, अगर राजीव जोशी की बात करें तो ये इंडियन अमेरिकन IBM साइंटिस्ट हैं, और इनको इस बार इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये तो पढ़ा है मैंने आपको, राजीव जोशी इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वहीं अगर हम पब्लो की बात करें तो ये उरुग्वे से बिलोंग करते हैं, और इनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इन 2020 अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये सब आपके रिवीजन करने के लिए है। हम आगे बढ़ेंगे गाइस, और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड अ $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी विद विच कंट्री। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से देश के साथ $400 मिलियन की करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। तो गाइज, ये मैंने आपको बताया था, ये कौन सा देश है, ये देश है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो श्रीलंका हमारा सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ के हम आपसे क्या बात करते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए तो पहले हम मालदीव की बात कर लें तो मालदीव को अप्रैल मंथ में इंडिया ने $150 मिलियन का फॉरेन करेंसी स्वैप सपोर्ट दिया था, 150 मिलियन का, ठीक है। तो मालदीव की कैपिटल माले है और करेंसी रुपया है। वही नेपाल की बात करें गाइस, तो नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल है। तो महाप्रसाद अधिकारी, विक्रम अधिकारी हमारे स्टूडेंट है, शायद यहाँ पे देख रहे होंगे, तो महाप्रसाद अधिकारी, विक्रम अधिकारी को सपोज कर लो कि विक्रम अधिकारी बन रहे हैं, तो अधिकारी याद रहेगा तो काम हो जाएगा। महाप्रसाद अधिकारी गवर्नर बने हैं नेपाल के सेंट्रल बैंक के, इसका नाम है नेपाल राष्ट्र बैंक, काठमांडू कैपिटल है, करेंसी नेपाली रुपये है। वहीं श्रीलंका की बात कर लें गाइस, तो कोलंबो इसकी कैपिटल है, आर्थिक जैसे मुंबई हमारे यहाँ की है, और इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, याद कर लीजिएगा, करेंसी श्रीलंकन रुपये। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो हमने वर्ल्ड बैंक का बताया $500 मिलियन, अभी हम IMF की बात कर लें तो IMF ने बांग्लादेश को $732 मिलियन का इमरजेंसी असिस्टेंस दिया है बांग्लादेश को, कैपिटल ढाका और करेंसी बांग्लादेशी टका है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और बात करते हैं भूटान की। तो इंडिया ने भूटान के साथ 600 मेगावाट का खुलोंगिचू
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक कंसेशनल एग्रीमेंट आपने शायद सुना भी होगा, और भूटान की करेंसी कैपिटल थिम्पू है और भूटान की करेंसी नगल्ट्रम है। सबको विद्या माता कसम है, कितने लोग को भूटान की करेंसी नहीं आती, जरा कमेंट कर दें, यस मुझे नहीं आती, सबको कसम है, जो झूठ बोलेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पे देखिए, इंडिया हैज अफर्म शेयर्ड कमिटमेंट टूवर्ड्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री, तो भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के प्रति साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। ये कौन सी पुष्टि की गई, सबको पता है कि अभी 14th इंडिया यूके बिजनेस काउंसिल की मीटिंग थी, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, तो उसी में ये बात हुई, तो इंडिया और यूके ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तो वहां पर ये बात हुई है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और देखिए यहाँ पर ऑप्शन में बहुत सारी चीजें हमारे पास है, लाइक फ्रांस, साउथ कोरिया, यूके, जापान, सिंगापुर, हम सब की बात करेंगे। तो फ्रांस की बात कर लेंगे गाइस, तो फ्रांस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही फेमस साइकिलिंग रेस ऑफ फ्रांस है, मतलब इसे 2D फ्रांस बोलते हैं, और ये पोस्टपोन हो गया इस बार, 2D फ्रांस। ठीक, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है, यूरो याद रखना है आपको, यूरो याद रखना है आपको, और कुछ याद नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ेगा इस साउथ कोरिया की बात कर लें, तो साउथ कोरिया ने अपना पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, हालांकि ऐसा करने वाला ये 10वें नंबर का देश बना। इस सैटेलाइट का नाम था ANASIS-2 और ये फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा गया। फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो स्पेसएक्स का है और ये यूएसए के फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था, मैंने पढ़ाया ये आपको। साउथ कोरिया कैपिटल सियोल है और करेंसी यहां की वॉन है, ये सब आपको लर्न करना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट गाइस, बात करें यूके की, तो ये तो हमारा आंसर ही है, कैपिटल लंदन है और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। जापान की बात करें गाइस, तो जापान जो है वो सबसे ज्यादा निवेश किया है यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, भारत 12वें नंबर है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो जापान ने टोटल 1.27 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया है यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, वहीं इंडिया 12वें नंबर पे है, इंडिया ने 157.4 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। जापान कैपिटल टोक्यो एंड करेंसी येन है, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक मिनट से गलती हो जाती है, एक मिनट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी वो मतलब शुरू ही हुआ है, वो मेरे से इंड बटन दब गया, रुक जाओ बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, बस काम हो गया अपना। ठीक है, चलो यहां से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो ही गया, आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, कहां पर, तो आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात, एट विच स्टेट, तो मैंने आंसर आपको दे दिया, इसका आंसर क्या होगा, गुजरात। गुजरात में कहां पे, आनंद डिस्ट्रिक्ट, यहां पे हरियाणा, वेस्ट बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन में है, हम उसकी बात भी कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे, देखो हरियाणा की बात करें गाइस, तो हरियाणा को 1500 करोड़ रुपए मिले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक पैसा मिला है फॉर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पॉन्ड रिजुविनेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड पॉन्ड रिजुविनेशन के लिए हरियाणा को 1500 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले। वही वेस्ट बंगाल की बात करें गाइस, तो आपको मैंने अभी बताया था कि हमारे देश में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना है 1,00,000 करोड़ रुपए का, ठीक, और उसमें सबसे ज्यादा पैसा यूपी को मिला है, कितना मिला है, करीब 12,831 करोड़ रुपए। वही वेस्ट बंगाल को इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से करीब 7,260 करोड़ रुपीज मिले हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें गाइस, असम की बात कर लें, तो असम की बात कर लें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम को 300 करोड़ रुपीस दिए हैं, क्यों दिए हैं, अंडर फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, और पहली बार ऐसा हुआ है, कल मैंने एमसीक्यूज में कराया हुआ था आपको, शायद आपको याद होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है असम को केंद्र सरकार की तरफ से। वही बात करेंगे गाइस छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ ने अपने स्टेट में गोधन न्याय योजना शुरू की है, मतलब ऐसे लोग जो कि कैटल पालते हैं, मवेशी पालते हैं, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उनसे 2 रुपए केजी के हिसाब से परचेस करेगा गोबर, तो याद रख लीजिएगा, तो ये याद रखिएगा, और उसी और साथ ही साथ अगर उस गोबर से कंपोस्ट बनाते हैं तो 8 रुपए पर केजी आपको, मतलब वो आप बेच सकते हैं गवर्नमेंट को, मतलब केवल गोबर 2 रुपए केजी और अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं, खाद बनाते हैं, तो 8 रुपए पर केजी के हिसाब से गवर्नमेंट खरीदेगी आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन रेलवे इन विच स्टेट, वी हैव 5 ऑप्शन, आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से चल रहे हैं। और गाइस जो भी लोग नए आ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करते चले, वी हैव 5 ऑप्शन, क्या इसका आंसर होगा। आकाश गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, 7 AM पे आओ, गुड मॉर्निंग करो, बहुत मार खाओगे। चलो आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर है।
तो हरियाणा हमारा सही आंसर है। इस पर हमारे पास और भी क्वेश्चन है, हम आगे बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन थे वो देख लें। तो गाइज आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक रीजन है, एक जगह है बुंदेलखंड। अगर आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है, तो अगर आप यूपी से नहीं और बाजीराव मस्तानी देखी हो तो आपको बुंदेलखंड नाम सुना होगा, और अगर आप यूपी से हो तो बुंदेलखंड पता ही होगा आपको। तो बुंदेलखंड में हर घर जल एक पाइप्ड वाटर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जिसका कॉस्ट है 2185 करोड़ रुपीज, तो ये याद कर लीजिएगा। वहीं गाइस महाराष्ट्र की बात करें तो अभी एक इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाया था, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020, और मतलब कौन से देश कितना ई वेस्ट स्प्रेड करते हैं, और उसमें इंडिया जो था वो तीसरे नंबर पे था, चाइना ने टॉप किया था। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्टेट वाइज बात करें तो महाराष्ट्र ने टॉप किया था, टोटल 19.8% ई वेस्ट जनरेशन इसने किया था, तो ये भी आपको हमने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। चार धाम का मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, है ना। और केवल अभी उत्तराखंड के जो रेसिडेंट है उनको ही अप्रूवल मिला है और किसी को अप्रूवल नहीं मिला है। वहीं गोवा की बात करें गाइस, तो गोवा ने देश का भारत का पहला मैरीटाइम क्लस्टर बनाया है, मैंने आपको पढ़ाया था। 49 MSME को इसमें स्टैब्लिश किया जाएगा। इंडिया का पहला मैरीटाइम क्लस्टर कहां बना? गोवा बना। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाइज मैंने आपसे बोला था कि कल HRD मिनिस्ट्री ने कमेटी बनाई है। इस कमेटी का वर्क क्या है कि जो भी फॉरेन के स्टूडेंट हमारे देश में हैं, अगर वो देश छोड़ के जा रहे हैं ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक, उन्हें रोकना, और जो जा चुके हैं उनको वापस बुलाना। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी को लीड कौन करेगा ये आपसे पूछा गया। मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डीपी सिंह, ऑप्शन नंबर सी। डीपी सिंह कौन है ये आपको शायद पता होगा, यूपीएससी के चेयरपर्सन है। हम आपको बताते हैं, इस पर क्वेश्चन हम लाए हैं, इस पर हम ढेर सारे क्वेश्चन लाए हैं। हाँ, आपको बताते हैं, ठीक है। यूजीसी, हमें यूपीएससी बोला, यूजीसी, इस पर हम और सारे क्वेश्चन भी लाए हैं, दिखाते हैं आपको आगे, ठीक है। चलिए रमेश पोखरियाल की बात करें गाइस, तो ये HRD मिनिस्टर है और इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का सबसे अफोर्डेबल COVID-19 टेस्ट किट। अब ये वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल COVID-19 टेस्ट किट किसने बनाया? तो ये IIT दिल्ली के रिसर्चर ने बनाया, और इसकी कॉस्ट पड़ेगी 650 रुपए, तो ये भी हमने आपको दिखा दिया। उसके अलावा गाइस हरकेश मित्तल कौन है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, और उसको लीड करेंगे हरकेश मित्तल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेडेड बाय द हरकेश मित्तल, याद कर लीजिएगा। उसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं कुणाल बहल की, तो अभी सीआईआई ने क्या किया है, मतलब ई कॉमर्स के लिए कमेटी बनाई है। सीआईआई ने ई कॉमर्स के लिए कमेटी बनाई है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीआईआई ई कॉमर्स पर कमेटी बनाई है, जिसको लीड करेंगे कुणाल बहल। ये कौन है? ये सीईओ है स्नैपडील के, सीईओ है स्नैपडील के, ठीक है। वहीं अगर रोहित भारद्वाज की बात करें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है, 6 मेंबर कमेटी, नहीं सुनो सॉरी सॉरी, ये स्पोर्ट्स की बात हो रही है, रोहित भारद्वाज की बात कर रहे हैं। तो साई ने एक कमेटी बनाई थी कि मतलब आफ्टर द COVID-19 या फिर लॉकडाउन के बाद, जब स्पोर्ट्स प्लेयर आपस में मतलब वो प्रैक्टिस करने ग्राउंड पर उतरेंगे तो उनके लिए कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो वो देखो फॉर्म बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 6 मेंबर कमेटी थी, और इसको लीड कौन करेंगे? रोहित भारद्वाज करेंगे। मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द टॉप 10 ग्लोबल कंट्रीज दैट हैव गेन्ड इन द फॉरेस्ट एरिया इन द लास्ट डिकेड? मैंने कल आपको ये पढ़ाया था, कल क्या, मैंने आपको एक दिन पहले पढ़ा दिया था और पढ़ा दिया था। तो फॉरेस्ट एरियाज की बात करें, मतलब गेंड फॉरेस्ट एरिया की बात करें, तो चाइना नंबर एक पर है, और इंडिया को कौन सी रैंक मिली थी? इंडिया को रैंक मिली थी तीसरी, इंडिया को रैंक मिली थी तीसरी, आपको पता है। तो आइए हम और भी इंफॉर्मेशन आपको दे दें। तो गाइस इंडिया की 5वीं रैंकिंग किस में, उसकी बात कर लें, तो रैंकिंग इन द होल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा संचय के मामले में भारत जो है 5वें नंबर पहुंच गया है, पहले पे चाइना है, और ये रिपोर्ट IMF ने पब्लिश किया है। उसके अलावा इंडिया की 8वीं रैंक कहां पर है वो देख लें, तो कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल, मतलब कैंसर की तैयारियों के लिए अगर हम बात करें, तो एक रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की, और टोटल 10 कंट्री का इसमें सर्वे हुआ था, क्योंकि हम यहां पर एशिया पैसिफिक की बात कर रहे थे, और इंडिया 8वें नंबर पर था और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर था, यह भी मैंने आपको पढ़ाया ही हुआ है। आगे बढ़े गाइस, इंडिया की रैंक 31 किसमें है वो देख लें, तो इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स की बात करें, तो इसमें इंडिया की रैंक है 31st, टॉप बाय सोमालिया, टोटल 191 कंट्रीज की रैंकिंग इसमें हुई। आगे बढ़े, नेक्स्ट 34 रैंक कहां इंडिया की, तो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, मैंने कल भी इसका रीजन आपको बताया था, इसमें टॉप किया यूके ने, और इंडिया की 34th रैंक है, ठीक। टोटल कंट्रीज 99, ये से भी याद कर लीजिएगा। चलिए
स्नेहा बोल रही है रैंकिंग कंफ्यूज कर रही है बहुत। चलिए ये अच्छा है कि आप लोग को आपकी प्रॉब्लम पता है कि हमें किस में दिक्कत होती है, तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी जल्दी जल्दी होना चाहिए। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवीन ताहिलानी की बात करें, ये अपॉइंट हुए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। नवीन ताहिलानी को किस संगठन के एमडी सीईओ ग्रुप में जगह मिली है, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने नवीन ताहिलानी को अपना नया एमडी सीईओ अपॉइंट किया है। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें, तो लक्ष्मी विलास बैंक ने हरिहरन के को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया है और लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। वहीं हैदराबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन की बात करें, तो हैदराबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन ने संजय कपूर को अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। संजय कपूर को अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है हैदराबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन ने। वहीं अगर हम आगे बात करें गाइस, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने ताज मुकर्रम को अपना डायरेक्टर अपॉइंट किया है, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। वहीं सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसने एसपी कोचर को अपना डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो ये भी ये देख लीजिएगा, आपको हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पे देने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, इनको अभी किस बैंक का नया एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, मैंने कल आपको ये पढ़ाया था। तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता की बात करें, ये इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, ये एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं। आगे देख लेते हैं गाइस, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली अशोक लवासा को अभी अपना वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में। वहीं एसबीआई कार्ड की बात करें, एसबीआई कार्ड एसबीआई बैंक के अंडर में काम करने वाली कंपनी है, जिसने कि अश्विनी कुमार तिवारी को अपना एमडी सीईओ अपॉइंट किया और एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। वहीं बात करें गाइस फेडरल बैंक का, तो फेडरल बैंक ने मिस्टर श्याम श्रीनिवासन को रीअपॉइंट कर दिया है एज एमडी सीईओ। ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कोची केरला में है, कोची केरला में, याद रखिएगा। करूर वैश्य बैंक की बात करें, तो रमेश बाबू को इन्होंने अपना एमडी सीईओ अपॉइंट किया है, हेडक्वार्टर करूर में है। तो ये भी आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट इंडियन स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट और इंड सेट अंडर स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम ऑनलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड द टेस्ट, मैंने कल आपको पढ़ाया था, करीब 5000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये पहला स्कॉलरशिप टेस्ट था, और ये जो टेस्ट है उसे कंडक्ट कराया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तो एनटीए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम और भी इंफॉर्मेशन की बात करें गाइस, तो गूगल की बात करें, तो गूगल ने अपना जो गूगल प्लस एक इनका अपना सोशल मीडिया नेटवर्क था, उसको रीब्रांच कर दिया है और इसका नाम रख दिया है गूगल करंट। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सुंदर पिचाई सीईओ है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। वही सीबीएसई की बात करें गाइस, तो सीबीएसई ने फेसबुक के साथ एक पार्टनरशिप की है फॉर द करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेलबींग एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो सीबीएसई जो है वो फेसबुक के साथ मिलकर मतलब डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेलबींग नाम का करिकुलम बना रही है। ये भी मत भूलना कि सीबीएसई और आईबीएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर भी सिलेबस बना रही है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। सीबीएसई हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसका, और चेयरपर्सन मनोज आहूजा जी हैं, याद कर लीजिएगा। मनोज आहूजा का अपॉइंटमेंट भी नया है, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। वहीं गाइस अगर यूनियन यूजीसी की बात करें, यूजीसी की बात करें गाइस, तो यूजीसी ने दो कमेटी बनाई। दो कमेटी क्यों बनाई है? पहली कमेटी की मतलब कि जो ये हमारा कैलेंडर ईयर होगा एकेडमी का, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज COVID-19 की वजह से पूरा एकेडमिक ईयर खराब हो गया है। और दूसरा कि अगर हम ऑनलाइन लर्निंग कराते हैं तो ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट कैसे करें। तो पहली कमेटी जो कि अल्टरनेटिव एकेडमी कैलेंडर के लिए थी, उसको लीड कर रहे हैं आरसी कुहात। और सेकंड कमेटी की बात कर लें जो कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के लिए थी, उसको लीड कर रहे हैं नागेश्वर राव इग्नू के वाइस चांसलर। वहीं अगर गाइस AICTE की बात करें, तो AICTE की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने अभी एक हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, MHRD AICTE COVID-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल, और ये AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने मिलकर किया है। तो ये भी पॉइंट हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच कंट्री रिपोर्टेड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द फॉरेस्ट्री सेक्टर इन द वर्ल्ड। तो गाइस अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि फॉरेस्ट गेन एरिया की बात करें तो इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है फॉरेस्ट्री मतलब वन्य जीवन में, वन्य क्षेत्र में।
तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी इंडिया ही होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, इंडिया हमारा सही आंसर है। ठीक, तो गाइज आप लोग की थोड़ी मुझे कमेंट या फीडबैक मिल रहा था कि जो लास्ट के एमसीक्यूज है उसे हमें ऐड करना चाहिए, तो वो लास्ट के एमसीक्यूज भी हम स्टार्टिंग में ही अपने वार्म अप सेशन में ऐड कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट हैज बीन लॉन्च बाई द BHU प्रोफेसर टू हेल्प पीपल इन कोपिंग अ फियर ऑफ COVID-19। इसमें कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना याद कर लीजिए कि BHU के प्रोफेसर ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर नॉर्मल भी आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो COVID-19 के से आप डर रहे हो, तो दोनों के सिम्टम में क्या डिफरेंस है उसके लिए कमेटी एक एक वेबसाइट बनी है, इसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सर्दी जुकाम.com, सर्दी जुकाम.com, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 21st कारगिल विजय दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन, तो 21वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया, तो हम लोग को पता है कि हमारे देश में हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस हम मनाते हैं, आंसर इज ई, ऑप्शन नंबर ई, बस तुमने एडिशन याद करना जरूरी है, 21st कारगिल दिवस था ये, मैं फिर से बोल रहा हूं, एडिशन याद करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो हाउ मच करोड़ वर्थ फंड वॉज क्रिएटेड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट इंडिया रशिया कोलैबोरेशन ज्वाइंट R&D एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। भारत और रूस ने प्रौद्योगिकी विकास के लिए संयुक्त अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कितने करोड़ रुपए का फंड बनाया है, आपके सामने 5 ऑप्शन है, आपको सही आंसर देना है इसका, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट है 15 करोड़ रुपीज है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ग्रॉस एनपीए ऑफ द बैंक मे राइज टू दिस परसेंट बाई द मार्च 2021। क्योंकि गाइज आपको पता है कि बैंकों ने इस बार गवर्नमेंट के कहने पर खूब लोन बांटा है, MSME या स्वनिधि स्कीम जो भी है, तो मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि इसकी वजह से मार्च 2021 तक बैंकों का जो एनपीए है वो कितना बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा 12.5%, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, आपका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि ग्लोबल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो वो हर साल कौन करता है, वो हर साल IMF करती है, ये भी लर्न करना, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो हम लोग को पता ही गाइस कि गुजरात में लॉन्च हुआ और नरेंद्र सिंह तोमर ने ही लॉन्च किया, और ये है आनंद, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तो ये हमको पता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो इन्होंने वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया। आपसे पूछा गया है कि मतलब उसका उद्घाटन किया कहां पे, आनंद डिस्ट्रिक्ट में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द नरेंद्र सिंह तोमर, तो नरेंद्र सिंह तोमर का कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया क्या है, तो ये कहां से आते हैं, ये मुरैना MP से आते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मुरैना MP, ऑप्शन नंबर बी, मैंने आपको पढ़ाया भी था। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, तो मैंने आपको बताया था जो ये हनी लैब है ये NDDB के ऑफिस में ही खुल रहा है, और NDDB कहां है, तो ये आनंद में है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल बिटवीन द अरावली हिल्स विच इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपको मैंने बताया था ये कि ये टनल कौन बना रहा है, तो ये टनल बना रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डेडिकेटेड फ्रेट मतलब किराया, फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि जो ये मतलब वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर बन रहा है अरावली हिल्स में, ये टनल गुड़गांव को कौन से डिस्ट्रिक्ट जोड़ेगा हरियाणा में, मैंने ये भी आपको पढ़ाया था, तो गुड़गांव के साथ कौन सा जुड़ेगा, तो गुड़गांव के साथ जुड़ेगा मेवात, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कौन है, तो वो डीपी सिंह जी हैं, मैं यही बोल रहा था कि मतलब क्वेश्चन है आगे, डीपी सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जॉर्डन हेंडरसन जो है बेटा, इन्होंने फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, फुटबॉलर राइट एसोसिएशन, ही इज एसोसिएटेड विद विच क्लब ऑफ द फुटबॉल, तो मैंने आपको पढ़ाया था ये लिवरपूल के कैप्टन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वहीं अगर गाइस हम लोग बात कर लें FWA वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर का, तो FWA वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर, माफ करिएगा कल मैं ये कवर नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं आपको तभी बोला, तो वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है वीवियाने मीडिएमा को, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, PDF तो आपको हम दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा इज गोइंग टू होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, तो आपको पता है ये पंचकूला, ऑप्शन नंबर डी में।
नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ द एआई है? आंसर होगा यू क्लिक वी कवर, यू क्लिक वी कवर ऑप्शन नंबर एक। कल मैंने आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में ये सब दिया हुआ है, अगर आप याद नहीं किए हो तो करंट अफेयर्स में आप क्या चीज मिस कर जाते हो वो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर, तो जहां पर भी किसी बैंक के स्टार्टिंग में इंडियन लग गया उसका हेडक्वार्टर हमेशा चेन्नई में होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। What is the total corpus of the SARC currency swap framework? मैंने आपसे बोला था कि ये पूरा $2 billion का था, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। कल मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है। उसके अलावा क्या बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीलंका के साथ 400 मिलियन यूएसडी का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया, विदड्रॉल इज नॉट अलाउड इन विच करेंसी। मैंने आपको बोला था कि ये डॉलर में या यूरो में या इंडियन रुपीज में होगा, तो पाउंड होना नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इनके हमारे बीच में साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो ये किस समिट में ये साइन हुआ, तो हमको बताया इस बार 15th इंडिया ईयू समिट था, उसमें ये साइन हुआ, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। विश श्रीलंकन प्लेयर हैज रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इनका नाम क्या है, इनका नाम है श्रीपल्ली वीरक्कोडी, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हु इज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जब हेल्थ सेक्रेटरी की बात बोली थी, मैंने दो पॉइंट आपको और पढ़ाया था। इनका नाम क्या है, अजय टिर्के जो है, ये पहले वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे, लेकिन इनको हटा के राम मोहन मिश्रा जी को अपॉइंट कर दिया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी, और अजय टिर्के को डिपार्टमेंट ऑफ लैंड दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले, हु इज अपॉइंटेड सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो आपको मैंने बताया ही राम मोहन मिश्रा जी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अनिल कुमार जैन की बात करें, सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल में, हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज टू विच मिनिस्ट्री। अनिल कुमार जैन सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल में, इन्हें एडिशनल चार्ज मिला है किसका, तो इन्हें एडिशनल चार्ज मिला है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एवरेज कंप्लीशन टाइम फॉर द हाउस अंडर द रिस्ट्रक्चर्ड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इससे कितना कर दिया गया है, तो पहले 314 दिन था और अब इसको 114 डेज कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द टारगेट इज टू कंस्ट्रक्ट 2.95 करोड़ हाउस अंडर PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, विद ऑल बेसिक एमिनिटीज बाय द ईयर। तो मैंने आपको बताया था कि 2016 में यह स्कीम लॉन्च हुई थी और इसका टारगेट था 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल, तो इसका आंसर क्या होगा, 2022, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गाइस अब बात करते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स की, स्टार्टिंग करेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ, और मोटिवेशनल कोट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या बोला गया है आपसे कि स्टडी व्हाइल अदर आर स्लीपिंग, वर्क व्हाइल अदर्स आर लोफिंग, प्रिपेयर व्हाइल अदर्स आर प्लेइंग, ड्रीम व्हाइल अदर्स आर विशिंग। तो गाइस इसका मतलब क्या है, देखो होता क्या है ना कि हमारे गांव में, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मतलब मैं बिल्कुल गांव वाला हूं, तो हमारे गांव में कहावत बोली जाती है कि खरबूजा खरबूजा को देख के रंग बदलता है। तो इस कहावत का मतलब ये है गाइस कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा हम अफेक्ट होते हैं अपने साथ वालों के साथ, या फिर जिस हम क्लास में पढ़ रहे हैं उनसे, या अपने रूम पार्टनर से, या फिर हम कोई ऑनलाइन बैच लॉन्च किए हैं, या फिर हम कोई करंट अफेयर सेशन देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि जो यहां पर लोग आंसर दे रहे हैं, अगर हम उनसे बेटर हैं, या हम उनके बराबर हैं, या हम उनके नीचे हैं, तो अभी हम ठीक कॉम्पीट कर रहे हैं। गाइज आपका कॉम्पिटिशन लेवल ऑल इंडिया लेवल पे, आपका कॉम्पिटिशन ऑल इंडिया लेवल पे है, मतलब आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबसे कॉम्पिटिशन करना है। और यकीन मानिए बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि 2020 में वैसे भी क्या है, लॉकडाउन की वजह से काफी फाइनेंशियल लॉस सबका हुआ है, आपके पास कोई चारा नहीं है, कुछ नहीं है, आपके पास बस एक चीज करने का, वो पढ़ाई। तो अगर आप डीमोटिवेट हैं तो अपने करियर को आप खराब कर रहे हैं, अगर आपका मोरल डाउन है आप करियर को खराब कर रहे हैं, गाइस ये सब बहाने हैं, एक्सक्यूज है, आपने अपने आप को बंधनों में बांध लिया जिसे आप तोड़ नहीं पा रहे। तो ये बंधनों को ब्रेक करिए, आगे बढ़िए, और कभी दूसरों को देखकर अपना अपना जो आपका स्केड्यूल है करिकुलम है उसे डिसाइड मत करिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, और गाइस देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए तो पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स की, और इंटरनेशनल अफेयर्स में नॉर्थ कोरिया ने WHO से हेल्प मांगी थी, और WHO के कहने पर इंडिया ने नॉर्थ कोरिया की हेल्प की है। इंडिया ने 1 million USD का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस नॉर्थ कोरिया को प्रोवाइड किया है। तो इंडिया एक्सटेंड मेडिकल असिस्टेंस वर्थ ₹1 million टू नॉर्थ कोरिया। हालांकि नॉर्थ कोरिया और चाइना दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं और दोनों के रिलेशंस आपस में काफी अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम पर प्रीवियस डेज में भी नॉर्थ कोरिया की हेल्प कर चुका है। तो $1 million का मेडिकल असिस्टेंस जो है वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है नॉर्थ कोरिया को। तो एक इंफॉर्मेशन ये हमने आपको दे दी है, देखिए यहां पे, तो इंडिया कितना अमाउंट, $1 million का, किसको, नॉर्थ कोरिया को, किसके कहने पर, WHO।
अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि हिंदी में भी एक्सप्लेन करिए। गाइस मैं ना तो हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ ना तो इंग्लिश में, मतलब मैं करता क्या हूँ, मेरा टारगेट ये होता है कि आपको मैं मेन मेन पॉइंट अपने करंट अफेयर्स में दिखाऊं। तो इंडिया पैसा मतलब मेडिकल असिस्टेंट दे रहा है नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन की, और WHO कहने पर, इतना आपको याद रखना है बस, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट की बात करें तो गाइस कुछ दिन पहले हमने सुना था कि अमेरिका ने चाइना का जो कॉन्सुलेट था ह्यूस्टन में उसको बंद कर दिया था। अमेरिका कहना यह है कि पहले तो यहाँ के एम्प्लॉय का बिहेवियर बड़ा रूड था, दूसरा यहाँ के हैकर्स ने मतलब हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैक कर लिए जो कि COVID-19 के लिए थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद US ने ह्यूस्टन ने बंद किया, तो चाइना ने चेंगदू एक जगह है चाइना में, तो वहां पे US का कॉन्सुलेट बंद कर दिया। और आपको पता है वाई चेंगदू, वाई नॉट शंघाई और बीजिंग, क्योंकि आपको पता है ये चेंगदू वो जगह है जो कि सबसे पास पड़ती है तिब्बत के, और अमेरिका यहीं से बैठकर अपना तिब्बत वाला पॉलिटिक्स खेलता था। तो चेंगदू वाला जो कॉन्सुलेट है उसे बंद कर दिया गया, आपके सामने इंफॉर्मेशन है। तो यूनाइटेड स्टेट का जो अपना कॉन्सुलेट था कहाँ पे, चेंगदू सिटी ऑफ चाइना, इसको चाइना ने बंद कर दिया है, और एक रिस्पांस दिया है कि जो चाइना का कॉन्सुलेट था ह्यूस्टन में जिसे अमेरिका ने बंद किया था उसके जवाब में। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक में है, आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिल सकती है, तो आपको याद रखना है। बस आपको USA का ह्यूस्टन और चाइना का चेंगदू याद रखना है, ठीक है, और कुछ पढ़ने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है आपको। वहीं गाइस आगे बढ़े तो ये जो चेंगदू वाला कॉन्सुलेट था ये उस समय के वाइस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने 1985 में इसका इनॉग्रेशन किया था। तो हो सकता है एग्जाम में और क्वेश्चन घुमा के पूछे कि भाई चेंगदू में अभी चाइना ने USA का कॉन्सुलेट बंद किया, ये कॉन्सुलेट किसने इसका इनॉग्रेशन किया था, कब किया था, तो क्वेश्चन घुमाएगा भी, तो आपको ये चीज याद रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की, बात चाइना करेंगे। तो चाइना अभी आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस बहुत सारे मिसाइल को सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, सैटेलाइट एग्जाम में आते हैं इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चाइना ने अभी अपना न्यू हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट, क्या नाम है इसका, इसका नाम है GU-133 फ्रॉम सांगशी प्रोविंस। तो चाइना ने अपना एक नया उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह GU-133 लॉन्च किया है। भाई हाई रिजोल्यूशन मैपिंग का मतलब, मैपिंग का मतलब मैप करना, मतलब नापना तोलना देखना, तो बेसिकली प्रॉपर मतलब इमेज के लिए और मैप मतलब कि जो पूरा वर्ल्ड है पूरे वर्ल्ड पर नजर रखने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट का लॉन्च क्या है, GU-133, और ये कहां से लॉन्च हुआ है, सांगशी प्रोविंस से लॉन्च हुआ है। आइए पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं। तो चाइना ने अभी अपना नया हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है GU-133, और ये किससे लॉन्च हुआ है, किस लॉन्च व्हीकल से, तो ये लॉन्ग मार्च 4B करियर से लॉन्च हुआ है। लॉन्ग मार्च 4B का मतलब जिस तरह हमारे देश में GSLV PSLV है वैसे ही वहां पे लॉन्ग मार्च चलता है, ठीक है। और ये कहां से लॉन्च हुआ है, तो ये चाइना के सांगशी प्रोविंस से हुआ है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने आपको ये दिखा दिया जो कि आपको लर्न करना है। तो चाइना ने हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है GU-133, इसलिए इसका नाम है, लॉन्ग मार्च 4B करियर से लॉन्च किया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने। उसके अलावा गाइस अगर हम लॉन्ग मार्च की बात करें तो इट वाज द 341st फ्लाइट मिशन बाय द लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज। तो मे बी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि चाइना ने ये सब किया है तो लॉन्ग मार्च का ये कौन सा मिशन था, तो लॉन्ग मार्च का ये 341वां मिशन था, ये भी पॉइंट हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब साइंस और टेक की बात करते हैं। साइंस एंड टेक की बात करें तो IIM कोझिकोड़े, तो IIM कोझिकोड़े का इंक्यूबेटेड स्टार्टअप, मतलब कि IIM कोझिकोड़े का से फंडेड या फिर IIM कोझिकोड़े से सपोर्टेड एक स्टार्टअप है जिसने कि एक वियरेबल डिवाइस मतलब एक रिस्टबैंड लॉन्च किया है जिसका नाम है वेलीबेंट। और वेलीबेंट क्या करेगा, वेलीबेंट आपको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इंश्योर करेगा, मतलब वेलीबेंट में एक मतलब न दिखने वाला डायमीटर आपके साइड हो जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति आपके उस डायमीटर में एंटर करता है या फिर आप एंटर करते हो तो इसमें अलार्म बज सकता है, इसमें फ्लैश लाइटें हैं, LED लाइट्स हैं, ताकि आपको मालूम चल जाएगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को मतलब वो कर रहे हो, तबाह कर दे रहे हो अपने। आइए पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड़े, तो वहां की एक स्टार्टअप है, नाम क्या है, QUAL5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। तो इन्होंने वैली बैंड नाम का एक गैजेट लॉन्च किया है, बेसिकली उसे आप हाथ में पहनते हैं और ये आपको बताएगा कि आपका सोशल डिस्टेंसिंग एक्यूरेट है या नहीं है, कि कोई आपके सोशल डिस्टेंसिंग को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा या आप तो नहीं कर रहे हो, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। वैली बैंड ये आप नाम याद कर लीजिएगा। तो यहां पर हमने IIM स्टार्टअप की बात की है,
ठीक है, तो देख लीजिए, तो बेसिकली क्या बोला गया कि मतलब ये लोकेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब केवल भावनाओं को समझने वाली बात है। जो मेन न्यूज है वो मैंने आपको पढ़ा दी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करें तो गाइस अभी थोड़ा सा स्टार्टअप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर के एक स्टार्टअप ने स्मार्ट वाटर क्वालिटी टेस्टिंग डिवाइस लॉन्च किया है, नाम क्या है, पद्मावत। आईआईटी कानपुर स्टार्टअप पद्मावत फॉर द टू चेक वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, पद्मावत नाम होगा डिवाइस का, किसने लॉन्च किया है, आईआईटी कानपुर। इसके अलावा आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है मॉड्यूलस, इसने मेडिकैब नाम का एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट लॉन्च किया है फॉर द कोविड-19 पेशेंट। ये आपको अखिलेश सर ने पढ़ाया था, मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो मॉड्यूलस की बात करें, आईआईटी मद्रास के मतलब मॉड्यूलस स्टार्टअप ने मेडिकैब नाम का पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट लॉन्च किया था, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको अच्छा लगे सेशन गाइस तो प्लीज लाइक करते चले, है ना। आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करते हैं आपसे रिस्ट बैंड की। तो रिस्ट बैंड की न्यूज हमने एक बात की कि भाई अभी आईएम कोझिकोड़े के स्टार्टअप ने वेली बैंड लॉन्च किया है, लेकिन दो न्यूज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इटली ने, इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आई फील यू नाम का ब्रेसलेट बनाया था फॉर द सोशल डिस्टेंसिंग, आपको शायद याद होगा। उसके अलावा गाइस कल या परसों हमने पढ़ा था कि एम्स नागपुर ने भी एक रिस्ट बैंड बनाया है, स्मार्ट रिस्ट बैंड बनाया फॉर द कोविड-19 पेशेंट। तो तीन रिस्ट बैंड पर न्यूज आपको याद रखनी है, एक तो आज वाली हो गई और एक इटली वाली आई फील यू और एक एम्स नागपुर वाली, ये सब पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करते हैं साइंस और टेक में न्यूज नंबर टू की। और न्यूज नंबर टू की बात करें तो हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस मिस्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस मौसम एप्लीकेशन फॉर द वेदर फोरकास्ट। तो वेदर फोरकास्ट की बात करें, जो मौसम एप्लीकेशन है, ये आपको आगे आने वाले फर्दर 7 डेज का इंफॉर्मेशन देगा वेदर का, कि वेदर कैसा रहने वाला है, और कोई अगर डिजास्टर आता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको पहले मिल जाएगी। तो मौसम एप्लीकेशन है, नाम याद रखिएगा। आइए आपको हम बताते हैं पूरी बात, देखिए यहाँ पे। तो देखो हुआ क्या था गाइस, कि इन द इवेंट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द 14th फाउंडेशन डे ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का 14वां फाउंडेशन डे था, और इस मौके पर हर्षवर्धन जी ने मौसम एप्लीकेशन को लॉन्च किया। मैंने आपसे क्या बोल दिया कि ये वेदर फोरकास्ट वाला एप्लीकेशन है, मौसम इसका नाम, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें गाइस तो देखिए, तो इस एप्लीकेशन में आपको बेसिकली रेड, येलो और ऑरेंज रंग के आपको मतलब कलर दिखेंगे। अगर आप मान लीजिए मैं मिर्जापुर से बिलोंग करता, मुझे मिर्जापुर का डिस्ट्रिक्ट का वेदर देखना है, तो रेड, येलो और ऑरेंज। तो रेड का मतलब कि कंडीशन खराब है, येलो का मतलब मिड में है, और ऑरेंज का मतलब कंडीशन ठीक है। तो इस तरह से मतलब तीन कलर का यूज होगा, रेड का, येलो का, ऑरेंज का, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, आपको एक इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर वेदर फॉरकास्ट के एप्लीकेशन की बात कर ही रहे थे, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और हर्षवर्धन जी ने मुंबई में एक फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया था, आई फ्लो। मैंने आपको खुद पढ़ाया हुआ है, आई फ्लो कहाँ लॉन्च हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ, ठीक। उसके अलावा गाइस अगर हम कर्नाटका गवर्नमेंट की बात करें, तो बेंगलुरु में रेन, फ्लडिंग या फिर थंडर स्टॉर्म का पहले इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेघ संदेश का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी आपको याद होगा। रिवीजन बहुत जरूरी है, बिकॉज सेम पॉइंट आपको रिवीजन हो जाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आगे बढ़े गाइस और स्पोर्ट्स की बात करते हैं, भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। अगर गाइस हम 2018 एशियन गेम्स की बात करें जो जकार्ता में हुआ था, तो 4x400 मीटर रिले मतलब एक रेस होता है 400 मीटर का, जिसमें चार धावक दौड़ते, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से चार लोगों ने इसमें दौड़ा भी था, और इंडिया को 4x400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल मिला था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इंडिया का रास्ता क्लियर हो गया है और इंडिया को मिल गया है गोल्ड मेडल, क्योंकि दैट टाइम पर जो गोल्ड मेडल जीते थे वो लोग बहरीन के थे और उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, तो उन पर 4 साल का बैन कर दिया गया है और उनके अचीवमेंट को नकार दिया गया है। तो अब इंडिया का ये जो मेडल था वो चेंज होकर गोल्ड मेडल में कन्वर्ट हो गया है। आइए पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ। तो इंडिया को सिल्वर मेडल मिला था, किसमें, इंडियन 4x400 मीटर मिक्स रिले। इसमें कौन कौन खिलाड़ी थे, तो इसमें मोहम्मद अनस खेल रहे थे, इसमें एमआर पुवम्मा खेल रही थी, हिमा दास को आप लोग जानते ही हैं, हिमा दास, और इसमें अरोकिया राजीव खेल रहे थे, मतलब दो फीमेल दो मेल, ठीक। तो 2018 एशियन गेम्स की बात करें, इसमें जो ये जकार्ता में हुआ था, और इस स्पोर्ट्स इवेंट में इंडिया को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा था, जो कि अब अपग्रेड हो गया गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हमने दे दी है। अब ये डिसीजन क्यों हुआ है गाइस, तो मैंने आपसे क्या बोला कि
बहरीन के जो खिलाड़ी हैं उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, डोपिंग बैन हो गया उनके ऊपर 50 साल का, तो इसकी वजह से उनसे मेडल भी ले लिया गया और ये मेडल अब इंडिया को दे दिया गया है। तो इन्फॉर्मेशन आपके साथ, ठीक है, आगे बढ़े गाइस। और अब देख लीजिए, तो मतलब अब इंडिया को इसमें गोल्ड मेडल मिल गया है। तो गाइस 2018 का एशियन गेम्स अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया है, हो सकता हो कि क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ ले। तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि 2018 एशियन गेम्स जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, जिसमें मेडल टैली में भारत की 8वीं रैंक थी। भारत ने 16 गोल्ड मेडल, 23 सिल्वर मेडल और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीता और टोटल इंडिया ने 70 मेडल जीते थे। हो सकता हो आपसे स्टैटिक में पूछ ले। तो गाइस ये जो एशियन गेम्स होता है वो कितने साल में होता है? तो एशियन गेम्स 4 साल में होता है, यानी 2018 के बाद 2022 में एशियन गेम्स होने वाला है। और कहां पर होने वाला है? ये होने वाला है हांगझो चाइना में। इसका मोटो क्या होने वाला है? तो इसका मोटो होने वाला है हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। और अभी अप्रैल की बात है, अप्रैल या मई की बात है, चाइना ने इसका मैस्कॉट भी लॉन्च कर दिया था। इसका मैस्कॉट क्या है? इसका मतलब 2022 एशियन गेम्स का, वो है मेमोरीज ऑफ जिंगनैन, मेमोरीज ऑफ जिंगनैन, ठीक है। तो ये भी हमने आपको बता दिया। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्टेट लेवल और यूटी लेवल न्यूज की। और यहां पर हम दिल्ली गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट चाह रही है कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना और जिनकी भी जॉब गई है उनको जॉब मिल जाना। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, रोजगार बाजार, रोजगार बाजार एप्लीकेशन। रोजगार बाजार एप्लीकेशन का मतलब क्या है? ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें कंपनीज और एम्प्लॉय, मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, जो विलिंग है, वो लोग आके अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जहां भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज होगी आपको कॉल आ जाएगी। देखिए यहां पे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, रोजगार बाजार। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे जॉब सीकर्स और जॉब रिक्रूटर्स दोनों मिल सकते हैं आपस में। जॉब सीकर मतलब जिनको जॉब चाहिए और जॉब रिक्रूटर का मतलब जो जॉब देना चाहते हैं, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट रोजगार बाजार याद करना जरूरी है। तो ये रोजगार बाजार दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च किया है टू रिवाइव द इकोनॉमी ऑफ द दिल्ली, ठीक है, आपको क्लियर है? आगे बढ़े गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की बात कर ले गाइस, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट कौन है ये आपको याद करना है। इनका नाम है धीरू भाई नारायण भाई पटेल, ये चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। हाँ, दिल्ली ने अभी घर घर राशन योजना भी शुरू की है। हाँ, मैंने ही पढ़ाया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात कर ले कुछ, ठीक है। तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने, मतलब जो है अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मतलब अगर आप दिल्ली में है, मतलब अगर मैं दिल्ली में हूं और मुझे कोविड-19 में कोई भी सिम्टम दिखता है तो मुझे दिल्ली में कहां बेड अवेलेबल है, कहां पे मेडिसिन अवेलेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन दिल्ली कोरोना ऐप में मालूम चल जाएगी। वहीं दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे देश का इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक भी बनाया, ये भी आपको पता है। अच्छा, 17 दिन का पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन भी दिल्ली में ही लॉन्च हुआ। ये 10 जुलाई को लॉन्च हुआ और 10 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा। अच्छा ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने अपने यूटी के जो बच्चे हैं उनके लिए लीड एक पोर्टल भी लॉन्च किया, मैंने ये भी आपको पढ़ाया है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, आयु रक्षा, आयु रक्षा प्रोग्राम का नाम था और इसकी टैगलाइन थी कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। दिल्ली ने लॉन्च किया था, दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कमाल पे कमाल मचाते जा रहा है। अगर गाइस अगर आप एनर्जी सेक्टर्स की बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री एनर्जी सेक्टर में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। पहले नंबर पे कौन है उसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। चलो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ओवरटेक एक्सॉन टू बिकम वर्ल्ड नंबर 2 एनर्जी कंपनी। तो रिलायंस कंपनी ने यूएस की एक एक्सॉन कंपनी को छोड़ दिया है पीछे और रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बन गई है। देखें यहां पे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसने एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन को छोड़ दिया है पीछे और अब बस ये सऊदी अरामको के पीछे है। सऊदी अरामको सऊदी की कंपनी है एनर्जी सेक्टर की। तो आइए इसके बारे में पूरी बात करते हैं। देखें यहां पर, अरामको विथ अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $1.76 trillion इज द वर्ल्ड बिगेस्ट एनर्जी कंपनी। तो अरामको की बात कर ले, सऊदी अरब कंपनी है गाइस और इसकी टोटल नेटवर्थ है, कैपिटल है, मार्केट कैपिटल है 1.76 trillion। वहीं अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इनकी मार्केट कैपिटल 187 trillion है, अरे सॉरी 187 बिलियन डॉलर है, ठीक है, बिलियन डॉलर है। तो सऊदी अरामको अभी भी नंबर एक की कंपनी बनी हुई है एनर्जी सेक्टर में और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है एनर्जी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो एक्सॉन मोबिल कॉर्प की बात करें गाइस तो इसका हेडक्वार्टर टेक्सास यूएस में है। वहीं अरामको की बात कर ले तो इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया का एक डिस्ट्रिक्ट है धरन उसमें है, धरन उसमें है।
और एक पॉइंट गाइस आपको याद होगा कि सऊदी ऑयल कंपनी अरामको ने क्या किया था, इसने $5 लाख इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को डोनेट किए थे फॉर द COVID-19 रिलीफ। तो सऊदी ऑयल कंपनी अरामको इसने $5 लाख डोनेट किए टू इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये भी आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और बिजनेस फाइनेंस में हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की। तो इस पर एमसीक्यूज में पूछ चुका हूं, तो HDFC बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट को -7.5% बोला हुआ है, ये देख लीजिए HDFC बैंक -7.5%। तो अगर हम बात करें मई में, तो मई में HDFC बैंक ने -4.8% बोला था, ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन और इसे बता दिया कि मतलब इंडियन इकोनॉमी को और अफेक्ट पड़ने वाला है -7.5% अकॉर्डिंग टू HDFC, ये आपको पता है। आगे बढ़े गाइस, तो मैंने आपको इस बार के अभी लेटेस्ट मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया की ग्रोथ रेट को बताया उसकी लिस्ट आपको दे दी है, आप आराम से याद कर लें। चाहे आप फिच की बात कर लें, RBI की बात कर लें, मूडीज की बात कर लें, ADB की बात कर लें, पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने शीशे की तरह साफ मैंने कर दी है, पूरी इंफॉर्मेशन। अगर अच्छा लगे तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, और जरूर इसे शेयर करिए अपने दोस्तों यारों के साथ या फिर सखी सहेलियों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, अब बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस में न्यूज नंबर 3 की। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइन हैंड विद द यूनिकेन फॉर ओमनी चैनल सिक्योरिटी। अब ये ओमनी चैनल सिक्योरिटी क्या होता है या यूनिकेन कंपनी क्या करती है गाइस, देखिए अगर मान लीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपके लिए ऐप बना रहा हूं, मेरे अकाउंट्स हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हो सेंसिटिव मैटर, तो मेरे एप्लीकेशन का, मेरे डेबिट कार्ड का, मेरे ATM का, इन सब की ऑनलाइन सिक्योरिटी कौन करता है, यूनिकेन। यूनिकेन का काम क्या है, ये ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कंपनी। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने एप्लीकेशन, अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, मतलब सारे ई ट्रांजेक्शन के लिए यूनिकेन के साथ कॉन्टेक्ट कर लिया है। आइए पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं। देखिए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यूनिकेन के साथ एग्रीमेंट किया है। यूनिकेन क्या है भाई, तो ये एक फील्ड ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी कंपनी, ठीक है। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मतलब मोबाइल कार्ड, कॉल सेंटर्स, ATM, मतलब सारा के सारा जो भी साइबर फ्रॉड हो सकता है वो सबको कंट्रोल करेगा, वो सबको मैनेज करेगा, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें गाइस, तो इसके MD और CEO कौन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO AS राजीव है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे में है और इसकी टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। वहीं अगर हम यूनिकेन की बात करें गाइस, तो इसके भी CEO बिमल गांधी हैं। इसके भी का मतलब ये भी एक इंडियन है, मैं ये बता रहा था। आप IBM की बात कर लो, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लो, गूगल की बात कर लो, ये देख लो इंडियंस ने मचाया हुआ है पूरा IT इंडस्ट्री में, है ना, और इसका हेडक्वार्टर न्यू जर्सी US में। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं आपसे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की। तो गाइस जब से हमारे देश में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है, तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा क्विक करने के लिए वाटरवे की बात भी कर रहा है, लेकिन हमारे देश में वाटरवे का मूवमेंट बहुत धीरे हो रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो कोई भी वाटरवे चार्जेस किसी कंपनी से नहीं लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिको ने अपना एक कंटेनर हल्दिया पोर्ट से पटना भेजा, तो जब भेजा तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग क्या बोलेगी, आपने हमारे पानी का यूज किया है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो इन फ्यूचर अगले 3 साल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लेगी। आप देखिए इसके बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने डिसाइड किया है कि वो वाटरवे चार्जेस जो है उसे वेव कर लेंगे, मतलब हटा लेंगे। इससे क्या होगा, इससे मतलब कि थोड़ा चीप पड़ेगा ये, और जो वाटरवे का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और चीप पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज ट्राई कर रही है कि हमारे देश में वाटरवे ट्रांसपोर्ट बढ़े। 3 साल के लिए पूरा चार्जेस माफ कर दिया गया है, देखिए 3 साल के लिए जो मैं आपको बता रहा था। अब मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट बताता हूं, देखो द डिसीजन इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज द इनलैंड वाटरवे ट्रैफिक मूवमेंट टू 110 मिलियन मेट्रिक टन इन द 2020-23 फ्रॉम द 72 मिलियन मेट्रिक टन इन 1920। देखो तो मतलब गाइज ये जो हमारा वाटरवे का जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो 2019-20 में हम केवल 72 मिलियन मिलियन मेट्रिक टन का ही ट्रांसपोर्टेशन कर पाए, तो भारत सरकार चाहती है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में हम कम से कम 110 मिलियन मेट्रिक टन का ट्रांसपोर्टेशन करें, ये टारगेट है। इसीलिए मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं आपसे, देखिए तो भाई कौन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के मिनिस्टर कौन है, तो ये है मनसुख एल मंडरिया, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द शिपिंग है, इंडिपेंडेंट चार्ज इनका है। और वहीं अगर हम मनसुख जी की बात करें कि ये किस एरिया से आते हैं, तो ये आते हैं पालिटाना, पालिटाना बेसिकली गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से चुन के आते हैं, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है।
हर्ष भाई थैंक यू सो मच। आगे बढ़े गाइस, अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, सुनिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज अप्रूव द रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ रुपीज 123.95 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट एक्सटेंशन ऑफ ड्राई डॉक 2 एट अ मरीन डॉक यार्ड इन पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान फॉर ऑगमेंटिंग शिप रिपेयर फैसिलिटी। देखिए ये ड्राई डॉक का मतलब क्या होता है गाइस, तो डॉक का मतलब क्या होता है, डॉक का मतलब होता है चबूतरा आप कह सकते हैं। तो बेसिकली जो ये शिप विप होती है इनकी मरम्मत कैसे की जाए, क्या हम ऑक्सीजन सिलेंडर बांध के मूवीज की तरह उस पर पानी में आते हैं, तो ड्राई डॉक बने होते हैं मतलब कि सूखे डॉक बने होते हैं जहां पर शिप को हम उस पर लाकर मरम्मत करते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो वहां पर एक्सटेंशन ऑफ ड्राई डॉक 2 होने वाला है और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने 123.95 करोड़ रुपए रखे हैं कि इतना खर्च होगा। उसके अलावा गाइस मैं सुन रहा हूं ध्यान से बात, मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं प्रवीण सिद्धार्थ, तो प्रवीण सिद्धार्थ के पहले विक्रम सिंह थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विक्रम सिंह को पर्सनल सेक्रेटरी के पोस्ट से हटाकर अपॉइंट कर दिया था एज द ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ये भी याद कर लीजिएगा मैंने आपको बताया। तो मतलब कि विक्रम सिंह जो है जो पहले हमारे राष्ट्रपति के पर्सनल सेक्रेटरी थे अभी वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए इन द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वहीं प्रवीण सिद्धार्थ की बात करें तो ये पर्सनल सेक्रेटरी बन गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाइस सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ राइजिंग डे 27 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। गाइस यकीन मानिए हमेशा आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ग्रीटेड ऑल सीआरपीएफ पर्सनल ऑन द 82nd राइजिंग डे ऑन द फोर्स। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि रिसेंटली 27 जुलाई को सीआरपीएफ का राइजिंग डे था, ये कौन से नंबर का राइजिंग डे था, तो ये 82वें नंबर का था, आपके एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन पहले भी, ठीक है, याद करना आपके लिए जरूरी है। वहीं गाइस अगर हम आगे बात करें तो आगे बात करें गाइस तो द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज इंडियाज लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। वहीं न्यूज नंबर 2 की बात करें गाइस तो 27 जुलाई को ही हमारे देश के मिसाइल मैन मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि का मतलब 2015 में एपीजे अब्दुल कलाम जी का 27 जुलाई को निधन हो गया था, तो निधन के बाद ये इनकी पांचवी पुण्यतिथि थी, ये भी याद रखिएगा, फिफ्थ एडिशन अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब्दुल कलाम जी की डेथ एनिवर्सरी जो है वो 27 जुलाई को होती है और ये पांचवी डेथ एनिवर्सरी थी। अब्दुल कलाम जी की मृत्यु शिलोंग में हुई थी 27 जुलाई को 2015 में, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये पांचवीं इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। उसके बाद गाइस अगर आगे बढ़े तो अब्दुल कलाम जी हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे और इन्होंने भारत की सेवा 2002 से लेके 2007 तक की, तो याद रखना आपके लिए जरूरी है। तो मे भी आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि मतलब अभी 27 जुलाई को डेथ एनिवर्सरी थी, ये कौन सी थी, पांचवीं थी, और कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने थे अब्दुल कलाम जी, तो 11वें नंबर के थे, ये भी हमने आपको बता दिया। आगे बढ़े गाइस, तो कल वीकली करंट अफेयर्स में मैं ये न्यूज आपको पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी, कला नारायण स्वामी ये भारतीय मूल की नर्स हैं सिंगापुर में और सिंगापुर के राष्ट्रपति ने इनको प्रेसिडेंट अवार्ड दिया है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इंडियन ओरिजिन नर्स कला नारायण स्वामी, सिंगापुर ने COVID-19 में इनकी जो इन्होंने हेल्प की लोगों की उससे खुश होकर इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है फॉर नर्सेस, ठीक। बेसिकली 5 नर्स को मिला उसमें ये भी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, TRIFED ट्राइफ। तो बेसिकली अगर हम बात करें ट्राइफ की, तो ट्राइफ जो है वो मतलब हमारी देश की कम्युनिटी लाइक SC ST, तो उनको बेसिकली प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ट्राइफ ने अभी IIT दिल्ली के साथ एग्रीमेंट किया है फॉर द उन्नत भारत अभियान, ट्राइफ इंक MOU विद द IIT दिल्ली फॉर द उन्नत भारत अभियान। देखिए यहाँ पे तो ट्राइव्ड हैज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद द IIT दिल्ली फॉर द उन्नत भारत अभियान फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट। तो ट्राइबल डेवलपमेंट मतलब ट्राइबल एरियाज या ट्राइबल जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ट्राइव ने IIT दिल्ली के साथ और उन्नत भारत अभियान के साथ मतलब एग्रीमेंट किया। एग्जैक्टली मैं ये होता क्या है ना, उन्नत भारत अभियान में होता है कि मतलब जो हमारे देश के मतलब टॉप लेवल के मतलब लीडर्स हैं या फिर हमारे देश के मतलब मान लीजिए कि टॉप लर्निंग इंस्टीट्यूट हैं, तो वो लोग इस एरिया में जाकर प्रॉपर आपको आपका स्किल डेवलप करते हैं, आपको टारगेट देते हैं। तो ये बात हो रही है उन्नत भारत अभियान की। तो ट्राइव और IIT दिल्ली मतलब IIT दिल्ली के लोग ये जो जो ऐसे एरियाज होंगे जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर जाकर सोशल डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। ट्राइव का फुल फॉर्म क्या, तो उसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको 1987 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो ये देख लीजिएगा। आगे बढ़े तो गाइस मालदीव की बात कर ले, तो मालदीव ने 26 जुलाई को अपना 55th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया।
मालदीव ने 26 जुलाई को अपना 55वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, देख लीजिए। तो मालदीव का 55वां इंडिपेंडेंस डे था इस बार 26 जुलाई को, और इसके साथ ही साथ इंडिया और मालदीव का 55वां साल ये भी था ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिप्लोमेटिक टाइज। तो मतलब कि जिस साल मालदीव बना उसी साल क्या हुआ, इंडिया ने अपने राजनयिक संबंध मालदीव से स्थापित कर लिए थे। तो मालदीव को आजादी मिली है 1956 में फ्रॉम द यूके, मतलब इंग्लैंड से आजादी मिली है 1956 में। उसके अलावा गाइस अगर आगे बात करें तो अभी रिसेंटली में इंडिया यूके 14th ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी मीटिंग हुई 2020, और ये वर्चुअली हुई। इंडिया यूके 14th ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी मीटिंग 2020, भारत यूके की 14वीं संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति की बात हो रही है। आइए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो यहां पे तो 14th ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या हुआ गाइस, ये हुआ वर्चुअली इस बार। इंडिया को रिप्रेजेंट किया पीयूष गोयल जी ने, क्योंकि ये हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री हैं। और सेम उनके समकक्ष इंग्लैंड की कौन है, तो एलिजाबेथ मैरी ट्रस हैं, जो कि इंग्लैंड की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब आप कॉमर्स मिनिस्ट्री बोल मिनिस्टर ही बोल सकते हो इंग्लैंड की। तो इन्होंने आपस मतलब रिप्रेजेंट किया इंडिया को, ठीक है। चलिए तो गाइज ये था हमारा सेशन, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं दिन के 2 बजे और हमारे दूसरे चैनल पे, और वहां पर हम बात करेंगे एमसीक्यूज ऑन द बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिएगा।